हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ के सॉल्व MCQs मिड टर्म एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व MCQs हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं, और अगर आप इनको खुद से प्रैक्टिस कर लें, मैच कर लें, तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा। एक तरफ आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर कोई इसके बाद भी मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहला है कि जो डेफिनेशन है एग्रीमेंट की, इज प्रोवाइडेड बाय, प्रोवाइड की गई है विच सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन के अंदर प्रोवाइड की गई है? सो वो प्रोवाइड की गई है सेक्शन 2E के अंदर। उसके बाद है कि कौन सा जो सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिफाइन करता है दैट व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल बनाया गया, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। सो कौन से सेक्शन के अंदर है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के? ये है सेक्शन 2B के अंदर। उसके बाद है कंसिडरेशन जो है मस्ट बी मूव्ड, लाजमी मूव्ड होनी चाहिए एट द डिजायर ऑफ, किसके डिजायर पे? प्रोमिजर, प्रोमिजर की डिजायर के ऊपर। उसके बाद है कि अनलॉफुल डिटेंशन जो है किसी भी प्रॉपर्टी की बिलोंगिंग टू अनदर विद अ व्यू टू ऑब्टेन हिज कंसेंट अमाउंट्स टू, आ जाएगा इसका ऑप्शन कोर्सिजन। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है ऑर्डिनेंस के बारे में, वो है कि प्रेजिडेंट जो होता है वो प्रोमलगेट कर सकता है एक ऑर्डिनेंस। और उसके बाद देखिए व्हेन बोथ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, जब दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो है वो कम्प्लीटली परफॉर्म कर लें अपनी ऑब्लिगेशन, सो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है, वो कहलाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं है ज्यूरिसप्रूडेंस की, वो है पॉलिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। उसके अलावा जो है वो है एनालिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, हिस्टोरिकल ज्यूरिसप्रूडेंस और एथिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। सो पॉलिटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस नहीं है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी जो है टर्म जो है वो साइंस ऑफ सिविल लॉज को कहा जाता है, उसको वो टर्म है वो है ज्यूरिसप्रूडेंस। उसके बाद देखिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कंप्राइजेस हाउ मेनी एग्रीमेंट, कितना एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है उसमें? थ्री, तीन एग्रीमेंट। उसके बाद है कि एक माइनर एग्रीमेंट जो है वो हमेशा क्या होता है, वॉइड होता है एक माइनर्स एग्रीमेंट। उसके बारे के मनी कंसिड्रेशन फॉर सेल ऑफ गुड इज नॉन एज, उसको जाना जाता है किसके तौर पे, प्राइस के तौर पे। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग द डेट, वो कौन सी ऑप्शन जो है वो डेट है जहाँ एट विच अ प्रोमिजरी नोट, प्रोमिजरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज फॉल्स ड्यू, वो है मेच्योरिटी डेट। उसके बाद है कि एक प्रॉमिस हुआ बगैर इंटेंशन के परफॉर्म करने का, इट विल रिजल्ट इन, उससे क्या रिजल्ट आएगा, फ्रॉड होगा। और उसके बाद है कि कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स, वो बन जाता है, क्या बन जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद है कि व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जब परफॉर्मेंस जो है प्रॉमिस की एक पार्टी की बाय वन पार्टी डिपेंड्स डिपेंड करती है ऑन द प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस बाय अदर पार्टी, वो जो प्रॉमिस होते हैं वो क्या होते हैं, म्यूचुअल होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद है कि प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज, जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के दरमियान। और उसके बाद है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है एक न्यू पब्लिक कंपनी का रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड होता है सब्सक्राइब बाय हाउ मेनी पर्सन, यानी सब्सक्राइब करें कितने लोग, वो है एटलीस्ट 3 पर्सन, तीन लोग, एटलीस्ट तीन लोग। और उसके बाद है कि व्हाट शुड बी लास्ट वर्ड्स, कौन से जो है वो लास्ट वर्ड्स होने चाहिए, जो नेम होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम रखा जाता है तो उसके अंदर लास्ट वर्ड्स कौन से होने चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए उसके। अक्सर आपने देखा होगा कंपनीज के आखिर में प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड यूज होता है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। उसके बाद है कि विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर, एक सर्टिफाइड कॉपी जो है ऑफ द ऑर्डर शेल बी फाइल्ड, फाइल्ड होगी रजिस्ट्रार के साथ, वो है 15 डे 15 15। उसके बाद है कि एक कमेटी जो है कमेटी ऑफ दी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज पॉलिसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूटेड हुई सेक्शन 15 के अंदर, इज टर्म्ड एज डैश इन दी SECP एक्ट, SECP एक्ट के अंदर 1997 के, वो है कमिटी, वो टर्म जो है वो कमिटी है वो टर्म। और उसके बाद है कि अगर एंडोर्सर जो है वो साइन करता है अपना नाम सिर्फ, सो एंडोर्समेंट जो है वो उसको क्या कहा जाएगा, इज सेट टू बी ब्लैंक ब्लैंक। और उसके बाद है कि हाउ मेनी डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन,
टू रजिस्ट्रार आर ट्रेड यूनियन, द रजिस्ट्रार शेल इशू करेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो ये है 15 डेज, 15 दिन। उसके बाद है कि वट शेल बी द एक्सटेंट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन ज्वाइंट वर्क काउंसिल, क्या एक्सटेंट होगी वर्कर पार्टिसिपेशन की ज्वाइंट वर्क काउंसिल में, वो है 40%। और उसके बाद है कि हेल्सबरी के मुताबिक इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन है, इनमें से कौन सा जो है वो रिलेशन है दैट सबसिस्ट बिटवीन पर्सन, लोगों के दरमियान कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन कॉमन विद अ व्यू ऑफ प्रॉफिट। सो ये है एक पार्टनरशिप। और उसके बाद है कि एज पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो कि 2002 का है, द डिटर्मिनेशन बाय अ लेबर कोर्ट आर्बिट्रेटर और एन अपीलेट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जूरिसप्रूडेंस ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और एनी मैटर रिलेटिंग देयर टू, इसका ये कहलाता है अवार्ड। और उसके बाद है कि लेबर कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था कौन सी गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट बाय होम, वो है प्रोविजनल गवर्नमेंट। और उसके बाद है कि कमिटिंग थ्रेटनिंग टू कमिट या फिर कोई भी फॉरबिडन एक्ट बाय पाकिस्तान पिनल कोड, वो कहलाता है क्या, वो है कोर्जन कहलाता है। उसके बाद है कि अंडर सेक्शन 41, सेक्शन 41 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जब एक प्रॉमिस जो है वो एक्सेप्ट करता है परफॉर्मेंस थर्ड पर्सन से ही आफ्टरवर्ड्स, वो उसके बाद आफ्टरवर्ड क्या, कैन नॉट इन्फोर्स इट, उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता अगेंस्ट प्रोमिसर। और उसके बाद है कि एक प्रॉमिस जो कि बनाया किया जाता है इंटेंशन के बगैर परफॉर्म करने की, इट्स अमाउंट टू फ्रॉड, ये पहले भी आ चुका है फ्रॉड वाला। उसके बाद है कि सेक्शन 2 भी जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके मुताबिक जब एक प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट होता है इट बिकम्स अ, वो क्या बन जाता है, एक प्रॉमिस। और उसके बाद है कि कंसेंट कॉज्ड बाय अ फ्रॉड्स मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या बनाता है एक कॉन्ट्रैक्ट को, बना देता है वॉइडेबल। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक एलिमेंट नहीं है बेलमेंट का, वो है चेंज ऑफ ऑनरशिप। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिटी, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिटी नहीं है, वो है इंश्योरेंस ऑफ लाइफ, वो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिटी, बाकी है लेकिन इंश्योरेंस ऑफ लाइफ नहीं है इनमें से। और उसके बाद है कि कौन सा सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो डेफिनेशन है प्रपोजल की वो प्रोवाइडेड हुई है, सो वो है सेक्शन 2A। और उसके बाद जो डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की वो प्रोवाइड हुई है बाय विच सेक्शन, कौन से सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो है सेक्शन 2H। और उसके बाद है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर एक फ्यूचर इवेंट अबाउट विच अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन मेड, हो चुका है और बिकम इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता है, सो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिकम्स वाइड, वाइड हो जाता है। और उसके बाद है कि जब एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कम्प्लीटली परफॉर्म हो जाता है वो क्या बन जाता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कम्प्लीटली परफॉर्म हो जाता है तो बन जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद है कि मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट करता है पे करने के लिए मिस्टर सी, टू पे मिस्टर सी 10,000 रुपीज़ इफ मिस्टर सीज हाउस इज बर्न, अगर मिस्टर सी का जो हाउस है वो बर्न हो जाता है, सो किस तरह का, विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इट, वो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है फेज जो है इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर, कौन सा फेज जो है वो नहीं है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में, वो है इनॉग्रेशन फेज नहीं है, बाकी प्रोमोशन रजिस्ट्रेशन कमिसमेंट है। और उसके बाद है सेक्शन 30 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके मुताबिक वेजरिंग अरेंजमेंट्स जो है वो क्या है, वॉइड है। उसके बाद है कि कॉम्पिटेंट पार्टीज टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर डिफाइंड, उनको डिफाइन किया गया है कौन से सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो है सेक्शन 11। और उसके बाद है कि अ पर्सन हु प्रोमिसेस, एक पर्सन एक शख्स जो कि प्रोमिस करता है कंपनसेट करने के लॉस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिटी में, कहलाता है क्या, आइडेमनीफायर, आइडेमनीफायर कहलाता है। और उसके बाद है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तमाम एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर वो फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट आर एज कंटेंड इन, वो रिक्वायरमेंट है कहाँ पर, कौन से सेक्शन में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 10 के अंदर। और उसके बाद है कि विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज, कौन सा सेक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है कि दैट एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन, तमाम वो एग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेंड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉ फुल प्रोफेशन बिजनेस और ट्रेड इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड, वो है सेक्शन नंबर 27।
और उसके बाद एक है सेक्शन 17 के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द सजेशन सजेशन है एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू टू बाय अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू वो है फ्रॉड। और उसके बाद एक है विच सेक्शन कौन सा सेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोवाइड करता है टेस्ट ऑफ साउंडनेस ऑफ माइंड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वो है सेक्शन 12। और उसके बाद है कि इफ टू और मोर पर्सन्स अगर दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो एग्री कर जाते हैं सेम चीज़ के ऊपर सेम सेंस में व्हाट इज़ इट कॉल्ड तो वो क्या कहलाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो है कंसेंट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए और इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसको आप जरूर हाईलाइट कीजिए और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।